हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवाजी देवनाथ। एक नया ट्यूटोरियल के साथ मैं आ चुका हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ Vue.js के बारे में। Vue.js एक जावास्क्रिप्ट का MVVM फ्रेमवर्क है जो कि एंगुलर जैसे ही काम करता है। तो एंगुलर में जैसे हम लोग अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और अलग अलग कंपोनेंट को क्रिएट करने के बाद हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं जिसको प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस बेसिकली क्या होता है, वन पेज एप्लीकेशंस होता है जिसमें एक ही HTML पेज के अंदर सारे अलग अलग पेजेस क्रिएट हो जाता है, जिसमें जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क है, जो लाइब्रेरीज हम लोगों को मिलता है, उसमें उसको अलग अलग URL के थ्रू वो अलग अलग पेजेस में दिखाया जाता है। तो इसका बेसिक अप्रोच ये है कि यहाँ पे अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट अगर जानते हो तो आप Vue.js और Angular.js के अंदर आप काम कर सकते हो या React.js के साथ काम कर सकते हो। तो Angular.js जो लोग जानते हैं उन लोगों के लिए Vue.js काफ़ी आसान होगा, और जो लोग वेब डिजाइनिंग का नॉलेज है, बेसिकली आपको ओनली बूटस्ट्रैप वेब टेम्पलेट डिज़ाइन आपको आता है और डिजाइनिंग नॉलेज है, आप Vue.js सीख सकते हो शुरुआत के टाइम पे। Vue.js काफ़ी आसान है। Vue.js जो है वो अभी PHP फ्रेमवर्क के साथ भी काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ होता है, और ये एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क भी है एंगुलर के हिसाब से। इसका परफॉर्मेंस लेवल भी बहुत अच्छा है, बहुत ही छोटा साइज़ है, बहुत ही कम टाइम में ये डोम को लोड कर लेता है। तो इसी वजह से ये Vue.js जो फ्रेमवर्क है ये काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है। इसका आज एक ट्यूटोरियल मैं बनाने वाला हूँ, पूरा Vue.js का कंप्लीट इंट्रोडक्शंस और इसका पूरा ट्यूटोरियल, जो जो चीज़ें इसके अंदर आता है सारी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। तो चलते हैं कोडिंग में। पहले हम लोगों को यहाँ पे जो प्रोडक्शन मास्टर्स जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ जाते हुए प्रोजेक्ट के लिए। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसी क्लास के अंदर क्लास वन करके मैं यहाँ पे एक HTML पेज क्रिएट कर लेता हूँ, index.html। यहाँ पे मैं पेज के अंदर लिंक को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर काम करना होगा। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मुझे Vue.js का जो कोड है वो लिखना होगा। पहले हम लोगों को डोम बाइंडर यूज करना होगा, जो रूट डायरेक्टरी होगा। मैं यहाँ पे डिव आईडी ऐप देता हूँ। तो इसके अंदर मुझे वो डेटा डालना है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बेसिकली हम लोग करते ये है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करने के बाद हम लोग उसमें डॉट इनर HTML करके इसके अंदर हम लोग डेटा को पुश कर देते हैं। बट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को ओनली डेटा पुश करना नहीं है, यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारा डायनेमिक डेटा क्रिएट करना है, जिसको हम लोगों को ये Vue.js के फ्रेमवर्क के थ्रू पेज के जो भी डेटा होगा या बैकएंड में जावास्क्रिप्ट के अंदर से जो भी डेटा प्रोवाइड किया जाएगा उसको दिखाना होगा। तो इसी वजह से क्या है, ये एक्चुअली एक रूट डायरेक्टरी बन जाता है, जिस डायरेक्टरी के अंदर हम लोगों को डेटा को रखना पड़ेगा, इसी जगह पे सारे डेटा दिखेगा। यहाँ पे पहले मैं एक डेटा बाइंडर मैसेज बोलकर एक एक्सप्रेशन डाल रहा हूँ जहाँ पे हम लोग डेटा को आउटपुट दिखाएंगे। तो यहाँ पे डेटा आउटपुट दिखाने के लिए मैसेज बोलकर मैंने यहाँ पे मैसेज दिया, लेकिन इस प्रॉपर्टी को बाइंड करके इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो इसी वजह से var भी लिख सकते या const भी लिख सकते। const बेसिकली ECMAScript 6 का होता है, तो ECMAScript 6 स्टैंडर्ड ही यूज़ करना चाहिए अभी के लिए। तो Vue.js ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये जो Vue.js का ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को कुछ पैरामीटर भेजना पड़ता है। पैरामीटर जब हम लोग भेजते हैं पैरामीटर एज ए ऑब्जेक्ट भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे पैरामीटर एज ए ऑब्जेक्ट भेजने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलिमेंट EL बोलकर ऑप्शन है जो कि इस एलिमेंट को बाइंड करने के लिए काम करेगा। ऐप बोलकर यहाँ पे इस एलिमेंट को यहाँ पे बाइंड किया, उसके बाद कॉमा डाल के यहाँ पे जो डेटा है, मतलब इस डेटा को कनेक्ट करना है, तो ये डेटा के साथ ये डेटा कनेक्ट करने का काम है। डेटा को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं मैसेज जो कि ये वाला नेम है। तो इस नेम के अंदर मैं सिंपली लिख देता हूँ हेलो Vue.js। तो इसको सेव करता हूँ। अभी इसको सेव करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन लाइव सर्वर करते, तो यहाँ पे हम लोगों का पेज के अंदर जो डेटा हम लोग दिखना चाहते थे वो आ गया है। तो ये था सब बेसिक सब आउटपुट। बट अगर हम लोग इसके बाद कुछ डेटा एज ए कंडीशनल पार्ट में हम लोग देखना चाहते हैं, जैसे कि डिप दिखाना चाहते हैं, इस डिप के अंदर क्या करते हैं, इस डिप के अंदर वेलकम
टू माई पेज, इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी देखता हूँ पेज के अंदर क्या है। हेलो व्यूजर्स, जो कि पहले ये वाला जो पार्ट था ये आया, और उसके बाद वेलकम टू माई पेज, वो स्टैटिक डेटा है। ये बेसिकली डायनेमिक डेटा है, ये स्टैटिक डेटा है। तो यहाँ पे डायनेमिक डेटा और स्टैटिक डेटा दोनों को एक साथ में बाइंड करने के लिए यहाँ पे हेलो एंड देन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ नेम। तो यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी देता हूँ और यहाँ पे बीबी नेम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली इसी तरह डेटा को बाइंड कर पड़े। तो इस डेटा को बाइंड करके हम लोग हेलो व्यूजर्स और उसके बाद वेलकम टू माई पेज, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट देखा। बट यहाँ पे इस एलिमेंट के अंदर यहाँ पे एक कंडीशंस डाल देता हूँ। यहाँ पे कंडीशंस बाइंड करने के लिए यहाँ पे व्यूजर्स का एक डायरेक्टिव यूज़ करना पड़ता है। तो व्यूजर्स का जब भी डायरेक्टिव हम लोग यूज़ करेंगे, पी से स्टार्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे ई यूज़ होता है, और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे डबल कोटेशंस यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे व्यूजर्स जो कोटेशंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को किसी डेटा के साथ बाइंड करके दिखाना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सो बोलकर यहाँ पे एक वेरिएबल लिया। ये बेसिकली ये वेरिएबल बेसिकली डेटा टाइप वेरिएबल है। तो यहाँ पे भी शो लिखना होगा, और ये शो में बेसिकली अगर फॉल्स देते हैं तो क्या होगा, ये जो वेलकम टू माई पेज ये दिखेगा नहीं, तो बेसिकली दिखा नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो ये दिख जाता है। काफ़ी सिंपल से प्रोसेस है, जहाँ पे कंडीशनल प्रोसेस में हम लोगों को ये जो पार्ट है ये पेज को हम लोग कंडीशनली यहाँ पे दिखा पा रहे। तो ये बेसिकली क्या है, वी इफ जो कि यूजर्स का डायरेक्टिव है, और यहाँ पे जो शो प्रॉपर्टी लिया है, इस प्रॉपर्टी से हम लोग इसको शो करना या हाइड करना का जो काम है वो हम लोग इसी वेरिएबल के थ्रू यूज़ कर पड़े। सिंपल से जावास्क्रिप्ट फंडा अगर आपके नॉलेज में हो तो अब भी जाके आप इस काम को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली जिसको बेसिक जावास्क्रिप्ट भी आता है वो भी ये व्यूजेस के अंदर काम कर सकते हैं। अभी इसके अंदर कुछ डेटा बाइंडिंग करते हैं, जहाँ पे बहुत सारा नेम को एक साथ में लुक वाइज दिखाना है। तो अगर ऐसे करते तो इसके लिए क्या करेंगे, ईवेल अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके अंदर लिस्ट एलिमेंट डालते हैं, और इस लिस्ट एलिमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लूप फॉर्मेट यहाँ पे रन कराएंगे। नेम इन नेम्स बोलकर मैंने यहाँ पे बहुत सारे नेम्स यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ पे भी अलग अलग नेम यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हाय करके यहाँ पे सारे नेम को यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो भी नेम दिखाएंगे, ये नेम का जो डेटा आएगा, ये डेटा फिर से इस डेटा के अंदर से आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो नेम्स जाएगा, क्योंकि नेम्स एज ए एरे यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो नेम्स एरे है यहाँ पे मैं नेम्स को ऐसे भेजता हूँ, राम सैम जोधू मैं डीएचयू मधु, ये चारों नेम को यहाँ पे भेज देता हूँ। अभी देखते आउटपुट, तो आउटपुट में हाय राम, हाय सैम, हाय जोधू, हाय मधु। तो जिस तरह हम लोगों को एक्सपेक्टेशंस था उसी हिसाब से हम लोगों को अलग अलग डेटा का आउटपुट जो है वो हम लोगों को बहुत आसान तरीके से मिल जा रहा है। तो यहाँ पे ये तो हो गया बहुत ही आसान सा चीज़, बट यहाँ पे मैं काम क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक इनपुट बॉक्स रखना चाहता हूँ, जहाँ पे इनपुट बॉक्स में टाइप देता हूँ टेक्स्ट, जहाँ से हम लोगों को डेटा बाइंडिंग करना है। डेटा बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिखता हूँ इनपुट योर नेम, ये वाला पार्ट है। तो इनपुट योर नेम, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये जो डेटा है, ये जो डेटा है ये बेसिकली इसको बोल सकते हैं डेटा बाइंडर या मॉडल। बेसिकली यहाँ से जो भी डेटा हम लोगों को यहाँ पे लिंक कर रहे वो बेसिकली मॉडल होता है। तो इसी वजह से इस मॉडल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो डायरेक्टिव है उसका नाम भी वी माइनस मॉडल, यहाँ पे वी माइनस मॉडल जो है, ये वी माइनस मॉडल यहाँ पे नेम है, इस नेम के अंदर हम लोग इस डेटा को लिख दिया। तो यहाँ पे डायरेक्टली डेटा बाइंड हो जाता है,
जहाँ पे हम लोगों को ब्यूजेस बोलकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हेलो जी पी एस टी गेस्ट दिखाते हैं, तो गेस्ट है। अगर दूसरा कोई नाम दे देंगे तो यहाँ पे दूसरा नाम भी आ जाएगा। तो काफ़ी आसान तरीके से ये डेटा बाइंड भी कर लेता है। तो वो डेटा बाइंडिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे हो गया है, और यहाँ पे जो डेटा जो दिख रहा है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, जिस मेथड के थ्रू हम लोग डेटा को बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है इस इनपुट फील्ड का नाम मैं चेंज कर दूंगा। चेंज करके यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऐड नेम करके ऑप्शन डाल दूंगा, जहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो नेम्स वाला जो पार्ट है यहाँ पे एक एक करके नेम ऐड हो जाए। और उसके बाद दूसरा एक बटन लगा देंगे जहाँ पे ये शो एंड हाइड ये दो पार्ट यहाँ पे हम लोग देख पाए। ये तो इफ कंडीशंस दिखाए, अगर ट्रू हुआ तो दिख रहा है, फॉल्स हुआ तो नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एल्स वाला पार्ट लगाएंगे जहाँ पे ट्रू अगर हुआ तो ये दिखेगा, अगर ट्रू नहीं हुआ तो दूसरा दिखेगा। तो वो भी हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ पे जो व्यू नेम जो पार्ट है, यहाँ पे और एक नेम है यहाँ पे यूज़ करता हूँ जो सी नेम है। सी नेम करके यहाँ पे ब्लैंक इनपुट फील्ड यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे डेटा बाइंडिंग में सी नेम डाल देता हूँ। तो डाल के सेव करता हूँ, तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो बाई डिफॉल्ट यह ब्लैंक है। अभी इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन लगाता हूँ। तो यहाँ पे बटन डायरेक्टिव लगा के यहाँ पे इस बटन में लिखता हूँ ऐड नेम बोलकर ये ऑप्शन देता हूँ। व्यू जो इसका एक डायरेक्टिव होगा जो इसका नाम होगा वी ऑन, वी ऑन। तो वी ऑन जो है ये बेसिकली इवेंट को बाइंड करता है। तो वी ऑन करके जैसे हम लोगों को एचटीएमएल में ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन फोकस करके जो भी इवेंट टाइम होता है, तो यहाँ पे क्लिक के ऊपर एक फंक्शन यूज करके जिस फंक्शन का नाम होगा एड नेम, जो कि यहाँ पे जो लिखा उस एड नेम फंक्शन को यहाँ से नेम उठा के यहाँ पे जो नेम्स बोलकर जो था इसके अंदर हम लोग और नेम को डालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक अलग से एक इनपुट पैरामीटर यूज करेंगे, जो कि ये पैरामीटर होगा मेथड्स। मतलब ये बेसिकली Vue.js का लाइफ साइकिल ऑब्जेक्ट है, जो नॉट ओनली लाइफ साइकिल ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली Vue.js का इनिशियल Vue.js में जो डेटा इनिशियलाइज कर रहा हूँ, जो कि हम लोग का ये जो डोम है इस डोम के साथ जब डेटा इनिशियलाइज हो रहा है या डेटा बाइंडिंग हो रहा है, तो डेटा बाइंडिंग का जो प्रोसेस है, डेटा बाइंडिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पे हम लोगों को बाई की वैल्यू पेयरिंग में डेटा को हम लोगों को डालना पड़ रहा है। तो यहाँ पे और एक डेटा हम लोगों को यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है इनपुट, जो कि मेथड्स, MeThods मेथड्स। मेथड्स बेसिकली फंक्शंस होता है जहाँ पे हम लोग फंक्शंस बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मेथड्स में क्या है, मेथड्स में पहले हम लोग एक्सप्रेशन टाइप मेथड्स यहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग मेथड्स का नेम पहले लिखेंगे, ऐड नेम करके यहाँ पे मेथड्स का नेम लिखा। उसके बाद मेथड का जो टाइप है वो बेसिकली फंक्शन टाइप होगा, तो फंक्शन टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे जो नेम्स है, मतलब ये जो नेम्स है, इस नेम को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये Vue.js का ऑब्जेक्ट होगा, तो ये इंटरनली क्या होगा, एक क्लास है जहाँ पे यहाँ पे भी ये जो ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करेगा। तो बाइंड एक दूसरे के साथ बाइंड करने के लिए यहाँ पे दिस सिंटैक्स यूज करना होगा, जो दिस सिंटैक्स बेसिकली कनेक्ट करेगा इसको। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम्स नेम्स यहाँ पे पुश, पुश बेसिकली होता है जावास्क्रिप्ट का एरे का फंक्शन, जहाँ पे हम लोग नेम डालेंगे। और नेम क्या डालेंगे, यहाँ पे जो मॉडल से जो डेटा हम लोगों को मिलेगा उस नेम को हम लोग को यहाँ पे डालना है। तो दिस डॉट सी नेम ये नेम को यहाँ पे डाल देता है। तो अभी यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद ये जो एड नेम वाला जो फंक्शन नेम है, इस नेम फंक्शन को इसके अंदर जाके यहाँ पे इस तरह डालना है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज डालना नहीं है, जस्ट ऐसे ही डालना है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, इस पेज को सेव करने के बाद पेज में चला जाता हूँ। तो ऑलरेडी हम लोगों को डिजाइन में आ चुका है नेम। तो यहाँ पे मैं एक नाम देता हूँ जॉय, तो यहाँ पे हाय जॉय आ गया, बट यहाँ पे ये जॉय जो है ये यहाँ पे भी रह गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ना रहे, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जाके फंक्शंस में यहाँ पे दिस डॉट
सी नेम करके यहाँ पे इक्वल ब्लैंक कर देता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे जब भी हम लोग नेम डालेंगे जॉय, तो यहाँ पे ऐड जॉय हो गया, बी जॉय डालता हूँ तो यहाँ पे बी जॉय चला गया। तो ये हो गया जॉय बी जॉय का जो नाम वाला जो है वो यहाँ पे एरे के साथ ऐड कर दे और एक के बाद एक डेटा ऐड होते जा रहा है। तो ये हो गया ऐड नेम वाला फंक्शंस। और यहाँ पे मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आउटपुट जो दिख रहा था शो वाला, बट हम लोग अगर यहाँ पे शो वाला जो डेटा है ये अगर नहीं दिखे, वेलकम टू माई पेज ना दिखे, अगर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, तो उसके ऑल्टरनेटिव पे एक दूसरा कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे भी ई एल ए सी, जैसे कि इफ एल्स कंडीशंस हम लोग जानते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे एल्स में ओ नो ये वाला चीजें दिखेगा। तो ये जो चीजें है इस ये तभी दिखेगा जब ये शो ट्रू होगा तो ये दिखेगा, अगर फॉल्स होगा तो ये दिखेगा। क्योंकि देख लेते अभी ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ये तभी दिखेगा जब हम लोगों का शो एंड फॉल्स ये दोनों एक साथ में काम करे। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक मेथड यूज करना होगा, इस मेथड को नाम देते शो मी शोमी मेथड के अंदर यहाँ पे फंक्शंस यहाँ पे डाल देता हूँ। इस शो मी मेथड में यहाँ पे दिस डॉट शो जो कि बेसिकली ये वाला है जो कि बाय डिफॉल्ट ट्रू है, तो इसको इक्वल डालता हूँ और यहाँ पे नॉट इक्वल डालता हूँ। नॉट इक्वल इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो शो है इसका जो वैल्यू रहेगा उसका ऑपोजिट वैल्यू यहाँ पे असाइन करेगा। मतलब अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे वैल्यू जाएगा फॉल्स, अगर यहाँ पे फॉल्स आता है तो यहाँ पे वैल्यू जाएगा ट्रू। तो इसी हिसाब से ये वाला पार्ट काम करेगा। तो ये शो मी जो बटन है इसको एज ए बटन यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस पार्ट में एक बटन डाल देता हूँ, यहाँ पे वी यू टी टी ओ एन बटन भी। अभी यहाँ पे भी ऑन ना लिख के मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड यूज करता हूँ जो कि इस भी ऑन जो भी ऑन डायरेक्टिव है इसका शॉर्ट हैंड सिंटैक्स होता है ऐसा। तो इस शॉर्ट हैंड सिंटैक्स को भी इस तरह यूज कर सकता हूँ शो मी, जहाँ पे शो और हाइड बोलकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये बेसिकली शॉर्ट हैंड मेथड है, इस शॉर्ट हैंड मेथड से भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो अभी ये वेलकम टू माय पेज जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करता हूँ तो ओ नो आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये काम कर रहे शो एंड नॉट शो, ये दोनों पार्ट में काम कर रहे हैं, शो एंड हाइट में काम किया। तो ये था बेसिकली सारे मेथड्स जो कि हम लोगों को यहाँ पे एक के बाई एक यूज हो रहा है। यहाँ पे हम लोग HTML का आउटपुट दिखाना चाहते हैं, कैसे यहाँ पे HTML का आउटपुट दिखाएंगे, यहाँ पे बेसिकली ये जो पार्ट है ये बेसिकली एक्सप्रेशन टाइप आउटपुट है, जहाँ पे डायरेक्ट हम लोग अगर जावास्क्रिप्ट से HTML को एक्सपोर्ट करते तो यहाँ पे HTML बाइंड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली HTML को बाइंड करने के लिए हम लोगों को HTML कभी कभार HTML आउटपुट देना पड़ेगा। तो HTML आउटपुट देने के लिए यहाँ पे माई HTML बोलकर यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, जहाँ पे span स्पैन करके यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे JavaScript के अंदर हम लोग एलिमेंट का डेटा लिख देता हूँ जिसपे तो यहाँ पे HTML from views जो है ये लेकर आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे डेटा बाइंडिंग करते तो बेसिकली यहाँ पे डेटा बाइंडिंग करता हूँ। तो डेटा बाइंडिंग करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अलग से डिप क्रिएट करता हूँ और डिप क्रिएट करने के बाद इस डिप के अंदर मैं नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ मैं माई HTML बोलकर जो ये जो लिखा हुआ था ये मैं यहाँ पे डेटा बाइंडिंग किया। तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन टाइप डेटा बाइंडिंग है। इस पेज के अंदर HTML एनक्रिप्शन हो जाने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली पूरा HTML डायरेक्टली HTML पेज में आ जाता है एज ए स्ट्रिंग।
लेकिन अगर हम लोग चाहे कि इसको एज ए एस्टिमेट फॉर्मेट में दिखाना, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक दूसरा, यहाँ पे मैं एक टैग डाल रहा हूँ जिस टैग के अंदर मैं वो डेटा को दिखाएगा। तो उस टैग को डालने के लिए यहाँ पे भी माइनस html बोलकर ये होता है सिंटैक्स, जहाँ पे हम लोग अपना html को दिखा पाएंगे इसके अंदर, जो कि यहाँ पे आ गया है, जो डायरेक्टली यहाँ पे जो लिखा हुआ है विद कलर सिंटैक्स, तो ये बेसिकली डायरेक्टली राइट अप हो रहा है, बेसिकली टेम्पलेट पार्सर है या html पार्सर बोल सकते हैं। तो ये सिंटैक्स से हम लोग html पार्स करके यहाँ पे डेटा को डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं। अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर css डायनामिकली डालना चाहते हैं, इस एलिमेंट के अंदर कलर डालेंगे, तो यहाँ पे कलर डालने के लिए भी माइनस बाइंड स्टाइल, मतलब जो भी एट्रीब्यूट को हम लोग बाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायनेमिक प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो रहा है, तो डायनेमिक प्रॉपर्टी बाइंडिंग का मतलब ही ये है कि भी बाइंड व्यूजेस का सिंटैक्स है, उसके बाद हम लोग जो भी प्रॉपर्टी बाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग अगर स्टाइल को बाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टाइल को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे स्टाइल बाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम लोग जो भी सिंटैक्सेस यहाँ पे दिखाना चाहेंगे उस सिंटैक्सेस को यहाँ पे हम लोग बाइंड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे जो सिंटैक्सेस होगा, जैसे कि अगर हम लोगों को यहाँ पे कलर को सेटअप करना है, तो कलर को सेटअप करने के लिए यहाँ पे कलर रेड और ग्रीन इस तरह का दिखाना चाहे, तो वो दिखाने के लिए क्या करेंगे, जो भी डेटा हम लोग यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली कलर जो सिंटैक्स है, इस कलर सिंटैक्स के अंदर हम लोगों को डेटा बाइंडिंग करना है। तो इस जगह पे डेटा बाइंडिंग करने का जो प्रोसीड्योर होगा वो होगा यहाँ पे, माय कलर। तो माय कलर बोलकर यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लेना होगा, इस माय कलर प्रॉपर्टी में मैं ग्रीन करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अभी एक बार देख लेता हूँ क्या हुआ, माय कलर ग्रीन करने से यहाँ पे ग्रीन जो है वो डेटा ग्रीन यहाँ पे आ गया है। तो बेसिकली इसी तरह यहाँ पे डेटा बाइंडिंग डायनेमिकली हो पा रहा है। तो अभी यहाँ पे जो ग्रीन कलर आया है, इस ग्रीन कलर को हम लोग बाई बटन यहाँ पे कर सकते हैं, बटन जो कि यहाँ पे शो हाइट वाला जो बटन है, उसी बटन के थ्रू ही हम लोग करते। तो यहाँ पे इस बटन के थ्रू करते क्या है, यहाँ पे एक कंडीशंस डालते, जहाँ पे इफ शो अगर ये रहा तो उसमें क्या होगा, दिस डॉट माई कलर जो है उसमें हम लोगों का कलर ग्रीन ग्रीन रहेगा, अदरवाइज अगर फॉल्स होता तो यहाँ पे दिस डॉट कलर करके यहाँ पे हम लोग इसको रेड कर सकता हूँ। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, पहले हम लोगों का कंडीशंस फ्लिप हो रहा है कि अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे फॉल्स एसन होगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा तो यहाँ पे ट्रू एसन होगा, उसी हिसाब से यहाँ पे कलर भी चेंज होगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ग्रीन है, और यहाँ पे जब भी कलर चेंज हो रहा है, मतलब जैसे ही हम लोगों का क्लिक हो रहा है, यहाँ पे डायनेमिकली स्टाइलिंग हम लोग चेंज कर पा रहे। तो यह है बेसिकली डायनेमिक स्टाइलिंग चेंज करने का प्रोसेस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये जो प्रोसेस, मैं एक के बाद एक दिखाते जा रहा हूँ। Vue.js वैसे ही बहुत सिंपल से पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इजिएस्ट वे में हम लोग इसको काम कर पाते। इसके अलावा डायनेमिक क्लास, स्टाइल क्लास हम लोग यूज़ करते, तो यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इस स्टाइल टैग के अंदर मैं एक्टिव करके यहाँ पे मैं एक कलर फॉर्मेट यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है ब्लू देता हूँ एज ए एक्टिव कलर। तो इस एक्टिव कलर को कंडीशनली हम लोग अगर ऐड करना चाहेंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो वो भी हम लोग कर सकते। एक नया एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, H3 करके यहाँ पे नया एलिमेंट ले रहा हूँ, जहाँ पे माई क्लास चेक बोलकर यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे शॉर्ट हैंड कोड मैं यूज़ करके देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं। क्लास करके इस जगह पे हम लोग डेटा को बाइंड करते हैं। यहाँ पे डेटा बाइंडिंग करने के लिए
क्या है, पहले हम लोगों का क्लास नेम जो कि यहाँ पे एक्टिव यूज करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम इज एक्टिव, इज एक्टिव बोलकर ये एक वेरिएबल होगा, जिस वेरिएबल से इसमें अगर ट्रू हो तो ये क्लास ऐड होगा और नहीं होगा तो ऐड नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो मैं फंक्शंस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इज एक्टिव, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रू करके एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे ट्रू कर दिया करके सेव करता हूँ, तो यहाँ पे काम नहीं किया, डेटा जो है शायद यूज़ नहीं हुआ है, ये क्लास जो है ये क्लास असाइन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे क्लास असाइन नहीं होने का मतलब ये है कि कुछ इस तरह भी हो सकता है, तो देखते हैं। अभी काम कर लिया, तो ये जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग है इस प्रॉपर्टी बाइंडिंग प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं था, तो अभी ये हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रू पार्ट से काम हो गया है। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे सिंपली इसी प्रोसेस को अप्लाई करके उनके इसी शो हाइट जो बटन है उसी बटन के थ्रू हम लोग इज एक्टिव को इनएक्टिव प्रोसेस में ले सकते हैं। तो उसका फ्लिप वाला पार्ट में, तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग कंडीशनली स्टाइल को ऐड करना, क्लास को ऐड करना और एलिमेंट को ऐड करना, ये तीनों काम एक साथ में हम लोग डायनेमिकली कर पा रहे यूजिंग Vue.js। और ये काफ़ी सिंपल सा पार्ट है, काफ़ी इजीएस्ट वे में हम लोग इसको कर पाते हैं। तो इसके अलावा हम लोगों को Vue.js ये मिनिफाइड वर्सन हम लोगों को मिल जाता है Vue.js के साइट से, जिसको हम लोग लोकली इसमें यूज़ कर सकते हैं इस लिंक के अंदर। तो सिंपल सा पार्ट है, मैं इसको रूट डायरेक्टिव में रख दिया था, तो सिंपल सा इसको ऐसे ही सेटअप कर देते, करने के बाद यहाँ पे अगर इसको डाल के देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। तो ये हम लोग लोकली इसको यूज़ करके इसका काम, इसका जो यूजेस है वो हम लोग ले सकते, और ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस में हम लोग इसको काम कर पा रहे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करेंगे कॉम्पोनेंट के लिए, और कॉम्पोनेंट के लिए मैं एक अलग से ट्यूटोरियल करूँगा जो आप देखते रहिएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए जरूर, अगर कुछ पूछना है कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, और आप लोग दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कुछ ट्यूटोरियल्स के साथ।